चैप्टर नंबर 4, बेवकूफ़ एक इंसान है। मैं नहीं जानता कि आप अपने शहर में और अपने कारोबार में ग्राहक के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेट्रॉयल में रिटेल कार बिजनेस में उसे बेवकूफ़ या मूर्ख कहा जाता है। यह एक भयानक शब्द है, क्योंकि यह उस इंसान के बारे में सोचने का बड़ा बुरा तरीका है जो आपको पैसे देने आ रहा है। उससे उस आदमी के बारे में एक नकारात्मक नज़रिया बन जाता है जो आपके लिए आपसे कोई चीज़ खरीदना आ रहा है। अब जब मैं यह बात कह दी है तो मैं संकेत करना चाहता हूँ कि यहाँ के सेल्समैन इस शब्द का इस्तेमाल अकारण नहीं करते हैं, चाहे उससे उनके प्रदर्शन को कितना भी नुकसान पहुंच सकता हो। कई कारण होते हैं जिनकी वजह से सेल्समैन संभावित ग्राहकों और ग्राहकों के प्रति शत्रुता महसूस करते हैं। मैं उन कारणों को समझता हूं और आप भी समझते होंगे, लेकिन मैं कड़ी कोशिश करता हूं कि ग्राहक को बेवकूफ़ ना मानो, क्योंकि आपके दिमाग में गूंजने वाला यह शब्द विनाशकारी बन सकते हैं। लेकिन आइए एक नज़र डालें कि हम ग्राहक को किस नज़रिए से देखते हैं और वे सचमुच कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, भले ही हम उन्हें एक अलग प्रजाति मानते हैं, लेकिन वह इंसान हैं जिनमें हमारे ही जैसी भावनाएं और ज़रूरतें होती है। जहां मैं बेचता हूं वहां कार खरीदने आने वाले अधिकतर लोग कामकाजी वर्ग के होते हैं और वे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी। उनमें से अधिकतर के लिए कार पर खर्च करना वाला पैसा ऐसा पैसा होता है जिसे वे किसी दूसरी चीज़ पर खर्च नहीं कर पाएंगे जिसे वे चाहते हैं और उनकी ज़रूरत में है। मैं नहीं सोचता कि इनमें से कोई बात आपको नहीं लगेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी ही तरह आप भी इसे कई बार भूल जाते होंगे। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हम पैसेवार हैं, हमारा समय मूल्यवान है और हर दिन हम बहुत से लोगों से टकराते हैं जो हमारा समय खाने के अलावा किसी चीज़ के बारे में गंभीर नज़र से नहीं आता है। समस्या दरअसल यही है। इसी वजह से हम उस व्यक्ति को बेवकूफ़ या अपने इलाके में प्रयुक्त होने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई ग्राहक शोरूम के अंदर आता है तो वह थोड़ा घबराया हुआ होता है। वैसे होता है कि मैं सिर्फ सुविधा की दृष्टि से लिख रहा हूँ। मेरी लगभग 30% ग्राहक महिला है जो अकेले कार खरीदती है, इसलिए मेरा आश्रय महिला या पुरुष दोनों से है। यह व्यक्ति संभवतः खरीदने के लिए वहां आया है, मैं जानता हूं। संभवतः क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में बहुत से लोग खरीदने के बजाय सिर्फ देखने भी चले आते हैं, लेकिन चाहे वे इस बारे में जागृत हो या ना हो, अधिकतर मामलों में उनकी रुचि उस चीज़ में है जिसे आप बेच रहे हैं। उतनी रुचि कि उन्हें खरीदने में बदलना जा सकता है। भले ही वे सिर्फ दिखाने के लिए आए हो, लेकिन वे घबराए हुए हैं। वे जूतों की एक जोड़ी के लिए $100, सूट के लिए $300 या कार के लिए $20,000 का खर्च करने से घबराते रहे हैं। यह मेहनत से कमाया गया पैसा है और उसे उन्होंने मुश्किल में से कमाया है, इसलिए वे घबरा रहे हैं। वे आपसे घबरा रहे हैं क्योंकि वे सभी जानते हैं कि या सोचते हैं कि सेल्समैन उन्हें लूट लेंगे। वास्तव में यह हमसे अधिकतर लोगों के बारे में ही सच नहीं है, लेकिन एक बार जब वे दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं तो उनमें से बहुत से थोड़े दशा में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि वह तो बस देखने के लिए आए हैं, वे आपका समय लेना चाहते हैं, वे दरअसल यहाँ से रफू चक्कर होना चाहते हैं और आपके शिकंजे में आने से पहले ही जिस कार में आए थे उसी में बैठकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपके द्वारा बेची जाने वाली चीज़ की ज़रूरत भी है, इसलिए तो वे वहाँ आए हैं। इसलिए वे रुके हैं, लेकिन वे थोड़े घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि हम लोग किस किस्म के हैं। आइए सच्चाई का सामना करें। संसार में सेल्समैनों की छवि बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को बताता है कि सेल्समैन आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ठिकाने की कोशिश करते हैं। हर एक की जान पहचान का कोई ना कोई होता है जो ज़्यादा सस्ते में या थोका के भाव में वह सामान दिला सकता है। यह कार उद्योग या बाकी कई उद्योग के बहुत समस्या है। वे भी सोचते हैं कि उन्हें उनकी मनचाही चीज़ वाजिब दाम में पर नहीं मिलने वाली और इस बात से घबरा जाते हैं, लेकिन वे वहाँ पर आ गए हैं, दरवाजे से घुस चुके हैं और अपने भीतर उस घबराहट को महसूस कर रहे हैं। उनसे भीतर अविश्वास और डर भरा हुआ है।
अब उनके साथ जो भी करने की कोशिश करने वाले हैं उनसे उनकी रक्षा करने के लिए वो कुछ ना कुछ या करने की तैयार है। आपको ऐसे लोगों से भी मिलना जाता है जो जान छुड़ाने के लिए $10-20 का दबाया भी दे देंगे और वे कभी अपना पैसा वापस नहीं लेंगे। इससे आपको यह पता चल जाता है कि उस स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं जिससे वे अभी अभी दाखिल हुए हैं। इसलिए हम में से अधिकतर सेल्समैन कई बार तो भी संभवतः ग्राहक को बेवकूफ कर देते हैं। हम उसे किसी अजीब तरह का प्राणी मान लेते हैं जो हिले हिलावे के करेगा, टाल मटोल करेगा और हमारा मूल्यवान समय खाएगा। हमारा समय मूल्यवान है और हमें इससे उस बुद्धि यानी तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। रक्तहीन युद्ध, इसका मतलब है कि आप कामकाजी जीवन में हर दिन जो करते हैं वह एक तरह का युद्ध होता है। मेरा वाक्य का मतलब यह है कि यह एक तरह का युद्ध है क्योंकि संभावित ग्राहक अक्सर हमें शत्रु समझते हुए अंदर आते हैं। वे सोचते हैं कि हम उसके पैसे ऐंठना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि वे हमारा समय बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस स्थिति को यहीं पर छोड़ देते हैं तो आप मुश्किल में हैं क्योंकि वे शत्रुतापूर्ण महसूस करते रहेंगे और आप भी। दोनों ही तरफ झूठ बोला जाएगा और एक दूसरे को चकमा दिया जाएगा। शायद वे आपसे सामान खरीद लेंगे या शायद वे नहीं खरीदेंगे। लेकिन चाहे इनमें से जो भी मामला हो, अगर दोनों ही तरफ शत्रुतापूर्ण भावना सक्रिय रहती है तो परिणाम को लेकर कहीं भी इच्छा महसूस नहीं करेगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, जब दोनों तरफ शंका, शत्रुता और अविश्वास साफ झलकता हो तो बिक्री करने की संभावना बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब क्या करें? मैं इस वक्त की बिक्री की प्रक्रिया को वस्तुत्व में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी बेचने के इस युद्ध में ग्राहक को और सेल्समैनों को बुनियादी नजरिए पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। उन संभावित ग्राहकों को भूल जाए जो सचमुच बेवकूफ होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सामान खरीदना और न खरीदना एक तरह का खेल होता है, और उन लोगों को बारे में भी भूल जाए जो खुद को सेल्समैन कहते हैं लेकिन हर मिलने वाले इस व्यक्ति के लिए धोखा देना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी भावनात्मक समस्याओं को काबू नहीं रख पाते हैं। कई बार हम सभी भावनात्मक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें घर पर छोड़ने आना चाहिए या बेचने में उपयोगी नजरिए में बदलना लेना चाहिए। हम इस बारे में आगे बात करेंगे। हम तो यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो खुद को संजीवा और समर्पित पेशेवर सेल्समैन मानते हैं। आइए एक बार फिर इन बेवकूफ़ लोगों की और अंदर झांक देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वे बेवकूफ़ नहीं होते हैं। वे तो इंसान हैं जो अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने कोई भी चीज़ खरीदने के लिए उनकी रुचि सच्ची होती है। हर अंदर आने वाले व्यक्ति के बारे में आपकी बुनियादी मान्यता यही होनी चाहिए, जैसा मैं कह चुका हूँ और आप भी उस बारे में सोचते होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वे आपसे डरे हुए हैं, खास तौर पर अपने खरीदने के फैसले से भी। वे आपको साथ युद्धरत है और वे चाहे आप जैसा भी सोचो या ना सोचो, इसका मतलब है कि आप भी उनके साथ युद्धरत पर है। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि यह एक अच्छा नजरिया है, लेकिन आमतौर पर यह सच्चाई होती है। लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे आप निपट सकते हैं और हर एक के लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यह समझ लेते हैं कि उस ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है तो आप उस युद्ध को जीत सकते हैं। ना सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि अपने तथा अपने ग्राहक दोनों के लिए ही मूल्यवान अनुभव में बदल सकते हैं। आप अपने ग्राहक के शुरुआती दर को खत्म करके और विजय पा रही है यानी बिक्री करने के ऐसा कर सकते हैं। यह सोचने में कोई बुराई नहीं है कि बेचने की स्थिति एक युद्ध जैसी होती है, जहां तक कि आप यह भी समझते हो कि विजय वह पल जब आप हस्ताक्षर पैसा बिक्री प्राप्त करते हैं। ऐसा एक अनुभव है जो दोनों ही पक्ष के लिए अच्छा है। आपने एक शत्रु को परास्त कर दिया है, अपने गोल कर दिया है, अब जीत गए हैं। आपने अपने समय का अच्छा इस्तेमाल कर लिया है और पैसे का भी बनाया है। लेकिन शत्रु का क्या हुआ? उस बेवकूफ, उसे डरे हुए ग्राहक को क्या मिला? देखिए, यदि उससे सही तरीके से सामान बेचा गया है तो उसे भी लाभ हुआ है। उसे वह मिल गया है जिसकी उसकी आखिर वह आया था। अब वह उन जूतों या सूती या कार का मालिक है, उनकी भी जीत हुई है
और उसे यह महसूस भी होना चाहिए, और उसे होना चाहिए कि महसूस होना चाहिए कि अपने अपना समय अच्छी तरह से खर्च किया है और उसने अपना पैसा भी अच्छी तरह से खर्च किया है। वह युद्ध में हार गया है, लेकिन अंततः जीत की उसकी लेकिन अंततः जीत उसी की हुई है। यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा किस्म का युद्ध है, जहाँ हर कोई जीतता है और कोई भी नहीं हारता। बेचने वाले स्थिति को अगर सही तरीके से संभाला जाए तो यह किसी पेशेवर सेल्समैन के लिए अपनी शत्रुता से छुटकारा पाने का काफी अच्छा तरीका है, चाहे यह कहीं से भी आती हो। जब भी मैं किसी ग्राहक का सामना करता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं एक महीने में एक बार फिर अपने पिता का सामना कर रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा यह चाहता था कि आप अपने पिता से हरा दूं और अपना सम्मान व प्रेम हासिल करूं। एक तरफ से जब भी मैं बिक्री करता हूँ, जो अक्सर होता है, तो मैं हर बार उन्हें हराता हूँ, लेकिन साथ ही मैं उन्हें खुश भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कार खरीदी थी। मैं नहीं जानता था कि क्योंकि उन्होंने मुझसे कार खरीदी, मैं नहीं जानता कि कोई मनोविश्लेषक इस बात पर क्या कहेगा, लेकिन हम सभी के अंदर एक क्रोध और डर की भावना होती है। अगर आप उस अच्छी बिक्री करने के दिन में एक या दो 20 बार उनसे उबर सकते हो, तो आप क्या गलत कर बात करते हो? तो उसमें क्या गलत बात है? और किसी सेल्समैन के पेशेवर जीवन में उससे अधिक संतृप्तदायक कुछ नहीं है कि वह एक अच्छी बिक्री कर ले। मेरे लिए अच्छी बिक्री यह होती है जहाँ ग्राहक उस चीज के साथ बाहर आता है जिसकी आखिर तक वह अंदर आया था। वह इतनी अच्छी कीमत पर वह कार ले जा रहा है कि वह अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों तथा अपने सहकर्मियों को से जोर जेरात की तारीफ करेगा और उनसे कार खरीदने के लिए सिफारिश करेगा। बेवकूफों के खिलाफ युद्ध बेवकूफों के खिलाफ युद्ध में हर दिन ऐसे ही विजय की तलाश करता हूँ। जब वे मेरे पास लौट कर जाते हैं, तब वे बेवकूफ नहीं होते हैं, तब वे मुझसे जरा भी घबराए नहीं होते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बिक्री का युद्ध जीत लिया है। मैं देश भर में लोगों को से बात करता हूँ जो कहते हैं कि सेल्स पर्सन अपने ग्राहकों को शोषण करते हैं। आप जानते हैं मैं क्या जवाब देता हूँ? मैं कहता हूँ, यह किसी आदमी का शोषण कैसे हो सकता है जब मैं उनके पैसों के बदले उन्हें एक अच्छा उत्पादन अच्छे भाव में देता हूँ। और अगर उसकी जेब में से पैसा नहीं होता और ज़्यादातर लोगों के पास सचमुच नहीं होता, तो मैं कार खरीदने के लिए कर्ज दिलाने में उनकी मदद कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति $20,000 की कार का मालिक बनकर मेरे पास से जाता है, तो क्या यह कामकाजी वर्ग का शोषण करना है? मैं तो ऐसा नहीं सोचता और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं सोचते होंगे। याद रखें, अंदर आते समय ग्राहक चाहे जो भी हो, बाहर जाते समय वह बेवकूफ़ नहीं होता। उसे मित्र बना ले, उनके बारे में अच्छी खातिर काम करे। मैं जिन 10 ग्राहकों को बेचता हूँ उनमें से तो लगभग 7 वे पुराने ग्राहक होते हैं जो मुझसे दोबारा कार खरीदने आते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी परिचित ने मेरा नाम सुझाया हो। मेरा 70% कारोबार उसी तरह चलता है। जो भी खुद सेल्समैन करता है वह ग्राहक से जल्दबाजी में कराकर या उसे चकमा देकर पहली बार तो सामान बेच सकता है, लेकिन अगर आपको ग्राहक को महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह उसकी जगह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और मेरा 70% कारोबार संतृप्त ग्राहकों तथा मेरी जान पहचान के लोगों से होता है। इसलिए अपने दिमाग से बेवकूफ़ जैसी सारी अभिव्यक्तियाँ निकाल दे और वे कुछ नहीं असल अवसरों को देखने और उसका प्रयोग करना ही राह में बाधक होती है। आखिरकार यह अच्छे पैसे बनाने का एक संतृप्तदायक तरीके के बारे में है, और उस काम में जीतने तथा लाभ कमाने में ज़्यादा संतृप्ति कुछ नहीं हो। अगली बार जब भी आप किसी ग्राहक के सामने हो, तो अपने मन से झांककर अपनी भावनाओं पर गौर करें। ग्राहक के बारे में अपने खुद की भावनाओं और व्यवस्थित करने की कोशिश करें कि आप इस बात पर चिढ़ गए हैं क्योंकि आप जो मजाक सुना करते थे उसे बीच में काट दिया। क्या उसे देखकर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिसे आप पसंद नहीं करते? अगर वह पाइप भी पी रहा हो तो आप अगर वह पाइप भी पी रहा हो तो आपके मन में क्या भावना हो आती है? दूसरे लोगों की बकवास को भूल जाए,
जिन्होंने आपको बताया कि पाइप पीने वाले फैसला नहीं कर पाते हैं। शायद वे अनिर्णय वो पाइप के पीछे छिपा होते लेते हैं। लेकिन आपका काम यह है कि आप उसकी छिपने वाली इच्छा को खत्म कर दे और उन्हें उबाल ले। यही वह पहली चीज है जो आपके कारण होती है, क्योंकि आप किसी से डरे हुए इंसान को नहीं बेच सकते हो, वह आपसे दूर भागेगा। आप किसी बेवकूफ को कोई सामान नहीं बेच सकते हो, वह आप सिर्फ ऐसे इंसान को बेच सकते हो। तो जब भी उससे मिले तो उसके विचार को दिमाग से रखकर शुरू करें। आपके सामने एक युद्ध है आपके ग्राहक के साथ और आपके खुद की भावनाओं के साथ। यह ना भूले कि आप कौन हैं और ग्राहक कौन है। यह ना भूले कि आप दोनों ही वहाँ क्यों हैं। ऐसी बिक्री के लिए है, एक ऐसी बिक्री के लिए है जो आप दोनों के लिए अच्छी है। आप किसी बेवकूफ को कुछ नहीं बेच सकते, आप सिर्फ किसी इंसान को ही कुछ बेच सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।